नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एन आई 30 ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार। तो चलिए हम आज आपको बात करते हैं रेलवे के कुछ पोस्ट के बारे में, जिनकी सैलरी कितनी है और ये इनका काम कैसा है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर रखे हैं रेलवे कुछ पोस्ट को दो भाग में, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल पोस्टों के बारे में बात करें तो ये इसमें भी दो भाग आ जाते हैं। और जैसे टेक्निकल में एक आते हैं ग्रुप डी में और दूसरे आते हैं ग्रुप सी में। टेक्निकल पोस्ट में आ जाते हैं केवल ग्रुप सी। तो ग्रुप डी के कुछ पोस्टों के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें कुछ पोस्ट हैं, हेल्पर हुआ, खलासी हुआ, असिस्टेंट डीजल, असिस्टेंट इलेक्ट्रिक लोको सेट का, असिस्टेंट CNW, पोर्टर, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, बहुत सारे पोस्ट हैं। और ग्रुप सी के कुछ पोस्ट हैं जैसे टेक्नीशियन, एल पी और ये JEE और इसी तरह बहुत सारे पोस्ट हैं। तो हम बात करेंगे केवल ग्रुप डी के कुछ पोस्ट के बारे में, जिनकी सैलरी, पोस्ट तो सभी एक ही हैं, उनकी सैलरी भी कलर वो सेम है, लेकिन काम तो सबका अलग अलग है। तो हम बात करेंगे इनकी सैलरी के बारे में। तो जैसे ग्रुप डी के कुछ पोस्ट हुआ हेल्पर, खलासी, असिस्टेंट डीजल, असिस्टेंट ELS और असिस्टेंट CNW, ये सारे पोस्ट होंगे। एक सेट के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी है उनका ये पोस्ट है और इसमें जो होता है सबका सैलरी सेम ही होता है। तो इनकी सैलरी के बारे में बात करेंगे तो इनका बेसिक हो जाता है करीब 18,000 और ये है 34% बेसिक का 34% और इनका TA हो जाता है 1206 रुपया और HRA हो जाता है आपका 1800 रुपया। ये जेड क्लास में जो आते हैं जो शहर, उनके लिए 1800 रुपये और जिनके लिए वाई क्लास में आते हैं तो उनके लिए हो जाता है 3240 रुपया HRA और जो एक्स क्लास में आते हैं उनका होता है 4860 रुपया। जैसे जो बोरे 1800 और ये हो गया आपका 3240 ये और 4860 रुपया, तो कैसे आते हैं हम बात करेंगे। जैसे जो जेड क्लास में आते हैं उनको 9% मिलता है या मिनिमम 1800 रुपया ही मिलता है और वाई क्लास के लिए बात करेंगे तो इसमें 18% मिलता है बेसिक 18% करीब। और एक्स क्लास की बात करेंगे, एक्स क्लास शहरों को जैसे बड़े बड़े शहर हो गया, मेट्रो शहर हो गया वगैरह, जो यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 27% करीब में मिलता है। और इनका अगर सैलरी दिखा जाए ग्रॉस पे, तो ग्रॉस पे में इनका हो जाता है ये जो जेड क्लास वालों हैं उनके लिए हो जाता है आपका 27,120 रुपया और जो वो वाई क्लास वाले हैं उनको मिल जाता है आपका 28,560 रुपया और जो एक्स क्लास वाले हैं उनको मिलता है 30,180 रुपया। और जिसमें से आपका 10% आपका NPS में कटिंग होता है, तो अगर NPS की कटिंग देखा जाए तो इसका करीब जो NPS कटिंग होता है वो DA प्लस में और बेसिक होता है उसका 10% होता है। 10% में आपका हो जाता है आपका 2412 रुपया वो कटिंग होता है। और कटिंग के बाद आपका नेट क्रॉस देखा जाए, नेट पेमेंट देखा जाए तो नेट पेमेंट आपका बन जाता है जेड क्लास वालों के लिए तो 24,708 रुपया और उनका देखा जाए तो ये 26,000, वाई वालों के लिए 26,148 रुपया और एक्स वालों के लिए 27,668 रुपया। और इसमें बात किया जाए एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, तो एक्स्ट्रा इनकम में आपका मिल जाता है जैसे नाइट ड्यूटी का 1 घंटा का 70.5 रुपया मिलता है आपका, मान के चलिए अगर और जैसे करीब में एक यूनिट के करीब 105 रुपया मिलता है तो वही हो गया उसके हिसाब से, एक यूनिट करीब में मतलब 6 घंटा का एक यूनिट बनता है तो उसके हिसाब से आपका 17.5 रुपया 1 घंटा का पड़ता है। और NH की बात, जो नेशनल हॉलीडेज है उसकी बात करें तो उसमें 384 रुपया मिलता है। और इसमें एक और आता है ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस में बात किया जाए तो उसमें आ जाता है 500 रुपया पर डे करीब 10 किलोमीटर के किसी ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह में। उसमें अधिकतर आ जाते हैं SNT और TRD और ट्रैकमैन, ऐसे बहुत सारे कुछ पोस्ट हैं उनमें आ जाते हैं जो इंक्लूड इनको अधिकतर मिलते रहता है। और जो सेड वाले हैं उनके लिए बस यही है DA, बेसिक DAT और HRA, कभी कभी उसमें आपका नाइट ड्यूटी और NH भी जुड़ जाता है। और
अभी मैंने इतने सारे पोस्टों की बात की, तो अगली बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेलवे के ऐसा कौन सा पोस्ट है जिसमें सैलरी सैलरी के लिए अगर कुछ पोस्ट अगर रिकमेंड करेंगे कुछ लोग, तो हम अगले आगे के सीरीज में लाएंगे कि कौन सी पोस्ट पे कितनी सैलरी है। तो हमारे वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।